यूपी विधानसभा में विस्फोटक कांड में नया विस्फोट हुआ है। यूपी विधानसभा में मिला संदिग्ध पाउडर विस्फोटक नहीं था। विधानसभा में 12 जुलाई को मिला संदिग्ध पाउडर विस्फोटक नहीं था। आगरा फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में ये बड़ा खुलासा हुआ है। बयान जारी कर यूपी सरकार ने दी है सफाई। एफएसएल आगरा को पीईटीएन का सैंपल नहीं भेजा गया। यूपी सरकार कह रही है ऐसा। आगरा लैब में जांच की सुविधा नहीं है, यूपी सरकार का कहना है। एसएफएसएल लखनऊ ने सैंपल को पीईटीएन पाया है, यूपी सरकार की स्टेटमेंट है ये। लखनऊ के लैब में 2 टेस्ट किए जा रहे हैं। 12 जुलाई को यूपी विधानसभा में मिला था पाउडर, इसको आगरा लैब ने कहा ये पीईटीएन नहीं है, लेकिन लखनऊ लैब कह रही है कि ये पीईटीएन है। 2 टेस्ट इसके रिगार्डिंग और किए जा रहे हैं। तो 12 जुलाई को मिला संदिग्ध पदार्थ, इसकी इन्वेस्टिगेशन लगातार हो रही है, जांच पड़ताल हो रही है, जिसको पीईटीएन कहा गया, लेकिन अब आगरा की रिपोर्ट के हिसाब से वो पीईटीएन नहीं है। और लैब जो कि लखनऊ में है, जो उसको आइडेंटिफाई कर रही है, वो बता रही है कि ये पीईटीएन है। तो यूपी विधानसभा विस्फोटक कांड में ये नया विस्फोट है, इसमें अब कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। और सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझती जा रही है, हमें तो लगा था रिपोर्ट आएगी और पता चल पाएगा ठीक से, लेकिन ये तो रिपोर्ट पे रिपोर्ट हो गई। जी हाँ, बिल्कुल गुत्थी और उलझ रही है। और निश्चित तौर पर एक बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कुछ छुपाने की कोशिश जरूर की जा रही है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि अभी तक ना सिर्फ पुलिस आला अधिकारी से लेकर खुद विधानसभा प्रशासन से भी पूछताछ हो जाती है। ये भी पता चल जाता है कि बहुत हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल था, जिसकी जांच एनआईए हैदराबाद में कराएगी, और अब उस जांच की रिपोर्ट जो आती है आगरा से, उसमें ये पता चलता है कि वो एनईटीएम है ही नहीं, वो एक्सप्लोसिव है ही नहीं। और फिर अचानक से आनन फानन में सुबह 7:40 पर गृह विभाग की तरफ से प्रेस नोट जारी किया जाता है कि इस सब्सटेंस की पूरी जांच लखनऊ में चल रही है, इसे आगरा भेजा ही नहीं गया था, और थर्सडे को जांच रिपोर्ट आएगी। और इसमें कई ऐसे मटेरियल मिले हैं जिससे पता चल रहा है कि इसमें टीटीएन की कुछ मात्रा है और एक्सप्लोसिव की मात्रा है। तो निश्चित तौर पर एक बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के अभाव में या फिर चीजों की कोताही बरतने की वजह से इस पूरे मामले में उस तरह की गंभीरता नहीं दिखाई गई है, और यही वजह है कि अब यूपी पुलिस को भी और पूरे गृह विभाग को बैकफुट पर आना पड़ रहा है इस पूरे मामले में। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी के लिए। विस्फोटक मामले में एफएसएल के निदेशक ने कराई है सरकार की किरकिरी। असल में विधानसभा में मिला विस्फोटक पीईटीएन नहीं है, एनआईए नहीं कर रही है केस टेक ओवर। एस एन उपाध्याय के ऊपर बिहार में कई मुकदमे दर्ज हैं। यूपी पुलिस में भी वित्तीय अनियमितताओं की चल रही है जांच। आपको बता दें, फर्जी पोस्टिंग के मामले में भी जांच चल रही है। तो एनआईए केस टेक ओवर नहीं कर रही है, एस एन उपाध्याय के ऊपर बिहार में कई मुकदमे दर्ज हैं। आपको यह भी बता दें, यूपी पुलिस में भी वित्तीय अनियमितताओं की चल रही है जांच। तो ऐसे में एनआईए इस पूरे मामले को टेक ओवर करने से बच रही है। आलोक पांडे मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, जितना गंभीर ये मामला था, असल में उतनी गंभीरता इस पूरे मामले को लेकर टैकल नहीं की गई, और इसके बाद एनआईए का टेक ओवर करने से इंकार। देखिए, निश्चित ही बात है, एनआईए को जब भी पता चल चुका है कि विस्फोटक सामग्री नहीं निकली, पीटन नहीं है, तो उसमें साफ तौर पे वो स्टेक को टेक ओवर करने के मूड में नहीं दिख रही है। हालांकि जहां तक बात किया जाए एसएन उपाध्याय की, जो कि फॉरेंसिक लैब साइंसेस के जो निदेशक हैं, तो उनकी अगर बात किया जाए तो सबसे ज्यादा किरकिरी घनश्याम उनके कारण सरकार को ही, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये बात फैली कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर विस्फोटक पहुंच गया है, और इस चीज की अगर प्रॉपर जांच नहीं की गई तो किस तरीके से, किस बिहाफ पे ये इतनी बड़ी कंपनी ने, इतनी बड़ी संस्था ने और ऐसे निदेशक ने उसको विस्फोटक बताकर पूरे एक माहौल को हड़कंप में ला दिया। कई माननीय जो सम्मानित सदस्य हैं उनसे पूछताछ हुई, कई
और भी जो कार्रवाई थी लगातार उसको होना वहां पर शुरू हो गया, तो निश्चित सी बात है। और जहां तक बात किया जाए ऐसा उपाध्याय की, जो कि निदेशक हैं फॉरेंसिक लैब साइंसेज के, तो उनके उनके पास उनके ऊपर बिहार में भी काफी मुकदमे हैं। आपको बता दें घनश्याम 420 तक का मुकदमा एसएन उपाध्याय के ऊपर दर्ज है। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश की भी अगर बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश की पुलिस भी इनके इनके जो इंक्वायरीज है वो सेटअप करे। ऐसे में जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब सरकार की इतनी बड़ी किरकिरी हो गई तो इतने बड़े पद पे एसएन उपाध्याय का बना रहना कितना जायज है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।